हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ओवल शेप डायमंड कॉलेट बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे 4 mm का। सर्कल का मान सिलेक्ट करेंगे और 0 एंटर करके एक 4 mm का सर्कल बना लेंगे। अब हम एक लाइन लेंगे, लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट, ये वाला कमांड सिलेक्ट करेंगे और 0 एंटर कर देंगे। आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे 3/2। अब हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और स्केल कमांड सिलेक्ट करेंगे, 0 एंटर टाइप करेंगे और इस तरह से इसे स्केल कर देंगे। बीच वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों, ये हमारा ओवल शेप बन गया है। इसकी लेंथ है, आइए माप लेते हैं, 4 mm, और इसकी ब्रेथ है 3 mm, 4/3 इसका मेजरमेंट है। अब दोस्तों, हम इस ओवल शेप को ऑफसेट करेंगे 0.7 से। ऑफसेट करने के बाद हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे। अब हम इसे सॉलिड कर देंगे। ऊपर सॉलिड पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड प्लैनर कर्व पे जाके, स्ट्रेट पे जाके क्लिक कर देंगे। अब हम कीबोर्ड पर -1.5 mm टाइप कर देंगे, कर्व को डिलीट कर देंगे और शेडेड व्यू पे आ जाएंगे हम। अब हम दोस्तों कीबोर्ड पर चेम्फर एज कमांड टाइप करेंगे। चेम्फर एज कमांड आ गया यहां पर, तो इसको सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहां पर हम 0.5 का चेम्फर कर देंगे। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे, 0.7 mm का सर्कल बना लेंगे हम यहां पर। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद इसे हम मूव करेंगे 1.5 mm से। अब इस कर्व को हम मेटल बना देंगे। मेटल बनाने के लिए अगेन हम सॉलिड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड प्लैनर कर्व और स्ट्रेट पे जाके क्लिक कर देंगे और नीचे जहां तक इस कॉलेट का एंड पॉइंट है वहां तक इसे बना देंगे हम। अब हम दोस्तों इसको फ्लेटेज कर देंगे 0.2 से। फ्लिट एज करने के बाद टॉप व्यू पे जाएंगे, अब इसे एक किनारे इस तरह से मूव कर देंगे। मूव करने के बाद इसे हम मिरर कर देंगे। अब दोनों प्रॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम मिरर कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो ओवल शेप कॉलेट था वो अब रेडी हो चुका है। इस ओवल शेप का जो डायमंड था वो मैंने हाइड कर रखा था, तो इसे हम अनहाइड करेंगे